have discussed with you. Yes, we have completed two policies, accommodation policy and majoritarianism policy of Sri Lanka. Okay, lekin now today I will discuss what happened after 1956 act, when Sinhalas, they enacted act of 1956, they introduced many changes in the Sri Lanka that supported Sinhalas but not supported by the Tamils. Then many people in Tamil, they struggled a lot and they took their demands forward, apni demands forward unhone lekar aaye. Kya unki demand thi? First of all, they demanded that Tamil should be also considered as official language. उन्होंने ये कहा कि तमिल को भी बराबर यानी कि सिन्हाला की तरह ही क्या मिलनी चाहिए, इक्वालिटी स्टेटस शुड बी गिवन. सेकंड, उन्होंने ये भी कहा दैट तमिल जो है ठीक है उसके बेसिस के ऊपर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड इन जॉब आल्सो. यानी कि एजुकेशन और जॉब में जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था वो उनके साथ नहीं होना चाहिए. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी. सो इन द ईयर 1980 दिस टेंशन लेड टू सिविल वॉर इन द कंट्री. सिविल वॉर कौन से ईयर में सबसे ज्यादा सिविल वॉर जो है वो स्प्रेड हुई? 1980. मैनी पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज वर अटैक्ड बाय ईच अदर एंड किल्ड. सिन्हालास एंड तमिल्स के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई. टेररिस्ट अटैक, मिलिट्री अटैक जो है वो भी हुए इस कंट्री में. लैंग्वेज को रिलेटेड जो है वो इश्यूज जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि तमिल जो हैं उन्होंने एक सेपरेट एरिया, सेपरेट स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी. और वो क्या चाहते थे? तमिल एलम. दे डिमांडेड तमिल एलम स्टेट. उन्होंने ये कहा कि श्रीलंका जो है उसको अलग से एक पार्ट बना दिया जाए और वो पार्ट जो है उसमें सिर्फ कौन से लोग हों? तमिल स्पीकिंग, तमिल एलम स्टेट. दे डिमांडेड द नेम शुड बी चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड इट शुड बी एज तमिल एलम स्टेट. ठीक है, और ये याद रखो ये श्रीलंका के कौन सा एरिया था? नॉर्दर्न ईस्ट एरिया. नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट एरिया था जिसमें ज्यादा तमिल लोग रहते थे. तो उन्होंने डिमांड की कि हमारी जो एरिया है उसको अलग से इसका नेम चेंज कर दो, सेपरेट स्टेट बना दो तमिल्स के लिए. वहां पे तमिल्स की ही गवर्नमेंट होगी, तमिल्स की ही लैंग्वेज जो है, तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो दिया जाए. पर ऐसा नहीं हुआ. सिविल वॉर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज तक भी श्रीलंका में ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया. सो दिस पाथ वॉज मेजोरिटेरियनिज्म पाथ इन विच मेजोरिटी गवर्नमेंट दे एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, जिसको सिन्हाला सुप्रीमेसी कहते हैं. क्लियर, ये पार्ट हो गया क्लियर. इसके बाद आप बुक में देखो, जब आप बुक खोलते तो बुक को साथ साथ आपने प्रॉपर इसकी रीडिंग करनी है. इसमें मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा. आपको स्टेटमेंट विल बी गिवन एंड उसके अकॉर्डिंग वन वर्ड, तो वन वर्ड में आपने चूज करना है कि इस स्टेटमेंट की राइट जो डेफिनेशन का राइट वर्ड क्या है. लाइक अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स, इट इज नोन एज एकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म. मेजोरिटेरियनिज्म ऐसे, ठीक है. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को इस तरह से लर्न करो. पहले आप क्या कहते थे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, तो आप पूरी स्टेटमेंट लर्न करते थे. अब आपने स्टेटमेंट को रीड करके उसको उसके लिए शॉर्ट टर्म जो है वो लर्न करनी, ठीक है. थोड़ा सा स्टाइल चेंज करो. आगे आप क्या करते थे? आप डेफिनेशन, सपोज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक कंपोजिशन, तो आप एथनिक कंपोजिशन का पूरा पेज या जो भी पैराग्राफ है. अब एथनिक कंपोजिशन की स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने उसको रिकॉग्नाइज करना. लाइक मैंने आपसे पूछा अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर इज नोन एज, अलग अलग ऑप्शन विल बी गिवन, इट इज एथनिक कंपोजिशन या होमोजीनियस. एथनिक होती है अलग अलग, होमोजीनियस होती है सेम, ठीक है. तो इस तरह से आपको रेकोगनाइज करना है कि डेफिनेशन के लिए हम वन वर्ड कौन सा सुटेबल हो. क्लियर, अच्छा. इसके बाद परसेंटेज आप अच्छी तरह से लर्न करोगे. बाकी ट्राई करो बुक के बीच की जो भी इंफॉर्मेशन, आप ये सोचो कि बुक की कोई भी इंफॉर्मेशन जो पैराग्राफ्स हैं शॉर्ट में जो
जैसे ग्लॉसरी आइटम्स होती हैं, ठीक है, या कोई भी पिक्चर है, पिक्चर के नीचे कोई भी डेकोरेशन है, वो भी आपको क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था, जब हमने इसको लॉन्ग क्वेश्चन की वे में किया था, तब मैंने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग जो है इसके अलग अलग जो है, क्यों ये डिजायरेबल है, इसके दो मेन रीजन तो दो हैं, नंबर इज प्रूडेंशियल एंड सेकंड इज मॉरल। इसके अलावा 5 मार्क्स के लिए मैंने आपको अलग अलग करवाए थे कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। नंबर वन, आप सबसे पहले याद करो प्रूडेंशियल। अब आपकी बुक में दिया गया प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन गेन और लॉस। पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई चीज कुछ भी है उसमें गेन ज्यादा है या लॉस ज्यादा है। तो इसको पावर शेयरिंग से अगर कंपेयर करेंगे, तो जब भी किसी कंट्री में पावर शेयरिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर में आने का मौका मिलेगा, जैसे बेल्जियम, तो पोटेंशियल उसमें गेन ज्यादा होगा या लॉस, गेन ज्यादा होगा या लॉस, गेन होगा ना। गेन कैसे होगा, पीपल पार्टिसिपेशन विल बी मोर, जितनी लोगों की पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी उतना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा सक्सेसफुल होगी, ठीक है। प्रूडेंशियल का मतलब, यस राइट डाउन द मीनिंग, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है गेन और लॉस। प्रूडेंशियल जो वर्ड है ये किससे बना है, प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है गेन और लॉस। इसका मतलब है कि पावर शेयरिंग में गेन्स आर मोर एज कंपेयर टू लॉस, जितने लोगों की पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतना फायदा ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हर कंट्री में क्या होनी चाहिए, पावर शेयरिंग मस्ट होनी चाहिए। अगर एक ही कंट्री में एक ही रूलर, जैसे हिटलर था, तो वहां पे गेन ज्यादा था या लॉस, लॉस। हमारी कंट्री में अलग अलग है, सीएम है, पीएम है, गवर्नर है, अलग अलग ऑर्गन्स है, तो यहाँ पे गेन ज्यादा है पावर शेयरिंग, तो इसलिए पावर शेयरिंग होनी चाहिए। सेकेंड इज मॉरल, मॉरल वर्ड जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट शुड बी गिवन टू पीपल, डेमो, डेमो का मतलब ही क्या है, पीपल, इंपॉर्टेंट शुड बी गिवन टू पीपल। तो पावर शेयरिंग में क्या है, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पीपल बाय इंकल्केटिंग मोर एंड मोर। लाइक हमारी कंट्री में लॉ मेकिंग में देखो कितने लोग हैं, एमपीज हैं, ठीक है, कितने एमपीज हैं, लोकसभा के अलग है, राज्यसभा के अलग है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जर्मनी में सिर्फ हिटलर ही था। वहां पे क्या मॉरल, मॉरल का मतलब वहां पे कंडीशन और डेमोक्रेसी सेटिस्फाइड थी, नो। तो पावर शेयरिंग का सेकेंड रीजन क्या है, कि मॉरल रीजन का मतलब होता है कि जितनी पावर शेयरिंग ज्यादा होगी उतना डेमोक्रेसी की कंडीशन जो है वो ज्यादा सुटेबल होगी। देन इसके बाद एक और मैंने इसके 5 रीजंस करवाए थे, थर्ड आप बता सकते हो इसमें, सपोर्ट रूल ऑफ लॉ। पावर शेयरिंग जो है इसका थर्ड फायदा, थर्ड बेनिफिट या थर्ड रीजन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, ऑल आर इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन। देखा जाए तो पावर शेयरिंग श्रीलंका में रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां पर क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब वहां पे पावर शेयरिंग जो है वो नहीं है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज हैं, दे आर गिवन प्रॉपर इक्वल राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। पावर शेयरिंग का थर्ड रीजन क्या है, रूल ऑफ लॉ। लॉ कहता है सारे इक्वल होने चाहिए और जितनी पावर शेयरिंग होगी उतने ही सबको बराबर माना चाहिए। नेक्स्ट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। जितनी जिस कंट्री, जैसे फ्रांस, बेल्जियम में आपने किया, फ्रेंच वर रिच, डच वर पुअर, तो वहां पे पावर शेयरिंग करके रिच और पुअर के बीच में गैप को, यस, रिड्यूस किया गया। लेकिन जिस कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं होगी वहां पे इनइक्वालिटीज को दूर नहीं किया जाएगा, वहां पे गैप हमेशा ज्यादा रहेगा, रिच ज्यादा पावरफुल रहेंगे और पुअर हमेशा एक्सप्लॉयटी रहेंगे। एंड लास्ट इज रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शन एंड विमेन। जहां पे पावर शेयरिंग, एक लास्ट एक और भी रीजन है, यानी कि पावर शेयरिंग क्या कहती है कि कंट्री में जो वीकर सेक्शंस होते हैं या जो वुमेन है उनको भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, लेकिन हिटलर के टाइम में ऐसा नहीं था, ठीक है। हिटलर के टाइम पे ज्यूइश को मारा गया, वुमेन को पार्टिसिपेशन नहीं मिली,
लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में पावर शेयरिंग है, क्योंकि यहाँ पे वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दी गई है एंड वीमेन को भी प्रॉपर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन, 33% सीट्स आर रिजर्व इन द लोकल बॉडीज फॉर वीमेन। तो ये सारे रीजंस हैं जो ये कहते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब मस्ट होनी चाहिए, इसके अलग अलग रीजंस बताए गए हैं कि क्यों होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सिक्स फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग जो है, ठीक है, इसकी अलग अलग टाइप्स क्या होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसको आप लाइन के अकॉर्डिंग याद करो, नंबर वन एंड नंबर टू। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वर्टिकल में क्या होता है, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ऐसे अब याद रखो कि पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या है। नंबर वन, व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड डैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगा कि वर्टिकल आएगा, ठीक है। अब डेफिनेशन आपके सामने है, नाउ यू हैव टू लर्न वन वर्ड फॉर दैट, ठीक है। अब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, अच्छा ये देखो, इस पे कोई पावर जो है वो सेम है, इक्वल है। इसका मतलब है एल में एमपीज, ई में सीएम और जे में जजेस, ये जो है इनकी पावर जो है वो इक्वल है। लेकिन इसको चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, चेक एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। रीजन क्या, इसमें से कोई भी पर्सन डिक्टेटर नहीं बन सकता। अगर एमपी या प्रेसिडेंट कुछ भी गलत करते हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में, इम्पीचमेंट मोशन। अगर एमपी कुछ भी गलत करते हैं तो एमपी को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट क्या पास होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पीएम एग्जेक्टिव में आता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी गलत करते हैं तो लोकसभा क्या करेगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रिमूव कर दिया जाएगा। जजेस अगर कुछ भी गलत करेंगे, नो डाउट दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन अगर ये भी कुछ गलत करते हैं तो इनको लोकसभा इनको इम्पीचमेंट के द्वारा क्या कर सकती है, हटा सकती है। इट में इसका मतलब क्या है कि पावर सेम है बट चेक एंड बैलेंस, हर जो है वो एक दूसरे पे चेक रखता है। सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ भी गलती करता है तो उसके लिए जजेस जो है उनको क्या देंगे, पनिशमेंट, ठीक है। एमपी कुछ भी गलत करते हैं, सपोज हमारी कंट्री में कॉमन पर्सन है और एक एमपी है, क्राइम सेम किया है, तो पनिशमेंट विल बी सेम अकॉर्डिंग टू लॉ। सो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन और चेक एंड बैलेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिखा है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि बच्चे चिटिंग मत करो, है ना, फिर भी बच्चे, तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है, बाकी लोग इसको अवॉइड करते हैं या नहीं करते, ये उनके अपने कॉन्शियस जो है उस पर अप्लाई करता है। सेकेंड इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, इसमें चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं है। रीजन क्या है, इसमें जो टॉप लेवल है दैट इज मोर पावरफुल। टॉप लेवल पावरफुल कैसे है, सेंटर गवर्नमेंट में क्या आता है, सेंटर गवर्नमेंट में क्या आता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हो गए पीएम, यहाँ पे क्या स्टेट में सीएम, और लोकल लेवल की बात करें तो यहाँ पे है डीसी। पावर्स किसके पास है ज्यादा, प्राइम मिनिस्टर, उससे कम डीसी। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल नीचे वाले लेवल को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर विल कंट्रोल ऑल द सीएम्स ऑफ स्टेट्स एंड सीएम विल कंट्रोल ऑल द डीसीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग में टॉप लेवल ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू मिडल और बॉटम।
ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये इसलिए किया जाता है ताकि हर लेवल को एक कंट्रोल रहे। लोकल गवर्नमेंट को डर होगा स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट को डर होगा सेंटर का, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं, तो पावर्स उनके हाथ में, इससे उनकी पावर्स ज्यादा है। दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड पावर शेयरिंग इज सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप में हम किस किस को मानते हैं? सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि लॉ मेकिंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये लॉ बनाते हैं। थर्ड एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं सोशल ग्रुप। सपोज हमारी कंट्री, अब ध्यान से सुनना इसको, सपोज हमारी कंट्री में कोई ऐसा लॉ बना जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो क्या वो लॉ जो है पास हो जाने के बाद वो इजीली उसको अबाइड करेंगे? वो क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे। अपोज किया, जैसे सपोज फार्मर बिल ही है, कल ही जैसे रिसेंटली आपने देखा कि जो है वो प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, सोशल ग्रुप, ठीक है। अब कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन में सोशल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करते हैं बाय अपोजिंग। अपोजिंग क्या, किसको अपोज करेंगे? बिल्स या गवर्नमेंट। और जब वो बिल्स को अपोज कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है अगर उसको चेंज कर देती है, इट मींस वो क्या कर रहे हैं? पावर शेयरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट। तो ये भी एक मेथड कि लोग जो हैं वो डायरेक्ट लोकसभा में नहीं जा रहे, राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल्स को अपोज करके चेंज करवा रहे हैं, चेंजेस चाहते हैं। इट मींस वो डायरेक्ट नहीं बल्कि क्या चाहते हैं? इनडायरेक्ट पावर शेयरिंग। तो हमारी कंट्री में या कई कंट्रीज में सोशल ग्रुप्स भी जो है वो पावर शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, पॉलिटिकल पार्टीज। फोर्थ इज पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये देखो, पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर करती हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पावर शेयर करेगी? जो रूलिंग पार्टी होगी वो तो करेगी। रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट कौन सी है सेंटर में? बीजेपी। पावर शेयरिंग करिए, पावर शेयर का मतलब पावर उनके हाथ में। अब एक तरफ और दूसरी पार्टी कौन सी होती है जो उसको क्या करती है? ऑपोजिशन पार्टी। वो कैसे पावर शेयर करेगी? वो कैसे पावर शेयर करेगी? है तो दोनों ही एमपी हैं, ये भी एमपी हैं, 543 में से ये भी एमपी हैं और ऑपोजिशन के भी एमपी हैं। दे विल आस्क क्वेश्चंस। रूलिंग पार्टी कोई भी नया लॉ बनाती है या कुछ भी नया करते हैं तो ऑपोजिशन कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम रूलिंग पार्टी। दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड इन दिस वे ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है? वो भी पावर शेयर कर रही है। नो डाउट ऑपोजिशन पार्टी के एमपी मिनिस्टर्स नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चनिंग करके कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज आल्सो अ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अलावा सपोज और भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? अपने नियरेस्ट एरियाज में लोगों से मिलते हैं, उनके इश्यूज उठाते हैं कि आसपास के लोगों से मिलते हैं कि उनके क्या इश्यूज हैं, उन इश्यूज को आगे गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं। और जब उन लोगों का काम हो जाता है तो ये लोग फिर क्या करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में? उनको उनको क्या करेंगे? वोट। क्योंकि उनको उनको लगेगा कि जब उन पे मुसीबत आई तो इस पार्टी ने इनको सपोर्ट की, और कहीं ना कहीं वो फिर क्या करते हैं इलेक्शंस में उनको याद रखते हैं और उनको वोटिंग की जाती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डिजास्टर्स आ जाते हैं तो गवर्नमेंट तो करती है, रूलिंग पार्टी तो वहां पे पहुंची होती है, साथ में और कौन पहुंची होती है? ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्यों पहुंचती है? देखने के लिए कि रूलिंग पार्टी यहाँ पे काम करवा रही है या नहीं करवा रही, नहीं तो हम करवाती। और अगर ऑपोजिशन भी नहीं पहुंचती, कोई और पार्टी वहां पे पहुंचकर अगर काम करवाते हैं तो लोग उसको याद रखेंगे जिनको उन्होंने मुसीबत में उनको बचाया हो, ठीक है। और इस तरह से कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन में ये पार्टीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पावर शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रुप्स। एक और हमारी कंट्री में ग्रुप्स हैं जिनको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप्स। सपोज
मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अंबानी जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब गवर्नमेंट ने कोई भी नया लॉ पास किया जो इन इंडस्ट्रियलिस्ट की फेवर में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट को क्या करेंगे, दे विल पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू चेंज देयर पॉलिसीज इन फेवर ऑफ दीज। तो आजकल के टाइम पर फार्मर्स किनको अपोज कर रहे हैं, मेन अंबानीज हैं, सेकंड ग्रुप कौन है, अडानीज, है ना, अंबानीज हैं, अडानीज हैं, फार्मर्स इनको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा तो फार्मर्स को ये लगता है कि आगे से आगे एग्रीकल्चर जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो कई बार, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, तो ये क्या करते हैं, कई बार पार्टीज को इलेक्शंस के टाइम में क्या देते हैं, मनी या फंड्स देते हैं, ताकि जीत जाने के बाद पार्टीज क्या करें, इनको फेवर दें। और अगर पार्टीज इनके ऊपर इनसे रिलेटेड या इनकी फेवर में पॉलिसीज नहीं बनाती, तो दीज ग्रुप पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ये तो हो गया एक अलग कैटेगरी। एक और कैटेगरी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनियंस स्ट्राइक कर देती हैं। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि कंट्री में स्ट्राइक हो गई, ऑल इंडिया बंद। बंद का मतलब क्या है, ठीक है, पूरी कंट्री में लॉकआउट, या जैसे हम कहते हैं कि यस। अच्छा, एक और टर्म आपने सुनी होगी, चक्का जाम। क्या होता है चक्का जाम, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती है, बसेस बंद हो जाती है, पब्लिक फैसिलिटी बंद हो जाती है। तो मींस एक एक दिन के लिए वो बंद करके गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे कि आपने जो पॉलिसीज बनाई हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर। और इस तरह से कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन है कहीं ना कहीं अपना शेयर कर रहे हैं। शेयर का मतलब अपनी तरफ से ऑपोजिशन या अपनी तरफ से इसको अपोज करके गवर्नमेंट को अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे। तो दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग बाय डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रेशर ग्रुप्स में इंटरेस्ट ग्रुप भी आते हैं। ऑल डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो उनका अपना इंटरेस्ट ग्रुप होगा। अगर डॉक्टर्स के लिए कुछ भी ऐसा है जो गवर्नमेंट को लगता है और डॉक्टर्स को लगता है कि उनके अगेंस्ट, लॉयर एसोसिएशन, लॉयर एसोसिएशन में क्या होगा, अगर लॉयर्स को लगता है कि उनके लिए कुछ गलत है तो वो सारे के सारे स्ट्राइक करेंगे। ज्वेलर्स एसोसिएशन होती है, कॉर्पोरेशन एसोसिएशन होती है, कई बार कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज भी स्ट्राइक कर देते हैं। कई बार आप देखा होगा कि आजकल हम कहते हैं ना कि बच्चों के, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बर्थ सर्टिफिकेट है या कुछ ऐसा है वो काम नहीं हो रहा, इट मीन्स वहां पे क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। इसमें इट मीन्स वो चाहते हैं कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल करो, स्ट्राइक करके वो पब्लिक पब्लिक परेशान होगी, और अगर पब्लिक परेशान होगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी उनकी डिमांड्स सुननी। तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज करने की कोशिश कर। क्लियर? सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर? अब इसमें मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो आपने मुझे इसका आंसर बताना है। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, आई एम गिविंग यू फोर ऑप्शंस, इट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, इट इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स आएगा इसका, अलग अलग ऑर्गन्स में सेपरेशन की है, ध्यान से सुनो। सेकेंड इज पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, फेडरल, यस। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यस। पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा, तभी क्लियर होगा जब आप उसकी थॉरो रीडिंग करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा जैसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम में दो एरियाज, फ्लेमिश एंड वेलोनिया रीजन दिया गया है, तो उसमें आपने बताना है कि वहां की जो है एथनिक कंपोजिशन क्या है, फ्लेमिश एंड वेलोनिया। ओके, फ्लेमिश रीजन, हाउ मेनी परसेंट पीपल लिव्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया, 59% डच, ठीक है। वेलोनिया में 40% फ्रेंच, दे वर वेरी रिच,
तो इस तरह की बुक की इलैबोरेशन अच्छी तरह से रीड करोगे आप। ओके, विच पार्ट ऑफ श्रीलंका वॉज डिमांडेड बाय तमिल्स एज एलम? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या क्योंकि मैप इज गिवन इन योर बुक, मैप दिया गया है और उसमें नॉर्थ ईस्ट में जो है वो ज्यादा तमिल शो किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। सिविल वॉर, डेफिनेशन ऑफ सिविल वॉर इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री होता है तो सिविल वॉर होता है, आउटसाइड अगर अलग अलग कंट्रीज के बीच में वॉर है दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वॉर। यस, प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल मतलब बेस्ड ऑन प्रूडेंस, ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस, इट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छा, अब मैं कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दिए गए हैं, आई विल रीड द स्टेटमेंट एंड यू विल टेल मी पावर शेयरिंग। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 ऑड चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रन होम्स इन मुंबई। ये किसका एग्जाम्पल है? सुनो, ये हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल है कि वर्टिकल का एग्जाम्पल है? एक फिर से सुनो, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन हॉरिजॉन्टल आए। सुनो, सेंटर सुनो, लिसन, सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट को नहीं किया, जुडिशरी ने किया गवर्नमेंट। जब जुडिशरी आ गई तो वो हॉरिजॉन्टल में आए, ठीक है, ये याद है। ओके बेटा, टाइम इज ओवर नाउ।